आर्टिकल 35 ए पंजाबियों के खौफ से कश्मीर में लागू हुआ ये कानून, भुगत रहा है सारा देश। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 ए के भविष्य को लेकर लग रही अटकलों के कारण वहां की राजनीति गर्मा गई है। राजनीतिक दलों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र की बीजेपी सरकार को इसको हटने पर राज्य में अराजकता फैलने की चेतावनी दी है। दरअसल आर्टिकल 35 ए के हटने के कयास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के जम्मू कश्मीर दौरे से वापसी और कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां तैनात होने के बाद से लगने शुरू हो गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी आर्टिकल 35 ए को हटाने की बात की थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने के बाद आर्टिकल 35 ए का हटना लगभग तय हो गया है। आर्टिकल 35 ए के लागू होने के पीछे पंजाब और पंजाबी लोग फंसे थे, इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल ये बताते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है और भारतीय संविधान में आर्टिकल 35 ए की क्या व्याख्या की गई है। बीजेपी के घोषणा पत्र में आर्टिकल 35 ए को लेकर कड़ा रुख। हम धारा 35 ए को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि आर्टिकल 35 ए जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासी और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पूर्ण है। यह धारा जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधा है। राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। क्या है आर्टिकल 35 ए? आर्टिकल 35 ए संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के आदेश पर 14 मई 1954 को जोड़ा गया था। इस आर्टिकल में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अधिकार जोड़े गए हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि भारत के अन्य राज्य के निवासियों पर क्या क्या प्रतिबंध होंगे। जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों पर लगने वाले प्रतिबंध, राज्य में बस नहीं सकते, यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कश्मीर के राजा ने लगाया था प्रतिबंध। जिन कश्मीरी पंडितों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उन्हीं कश्मीरियों के वंशजों ने वहां के शासक पर दबाव बनाकर कानून बनाया कि किसी भी पंजाबी को कश्मीर में न तो रोजगार मिले न ही वहां की जमीन खरीद सके। शुरुआत में सिर्फ वहां पंजाबियों का विरोध था, लेकिन भारत की आजादी के बाद सारे भारतवासियों पर पाबंदी लगा दी गई। अनुच्छेद 35 भारत का ऐसा अनूठा कानून है जो भारतीयों को भारत के एक राज्य में बसने और जमीन खरीदने की इजाजत नहीं देता। इस कानून के तहत राज्य सरकार की नौकरी भी सिर्फ कश्मीरियों को ही मिलेगी। कश्मीरी पंडितों ने पंजाबियों के साथ ऐसा क्यों किया, उसके लिए हमें लगभग 130 साल पीछे जाना होगा। साल 1885 में महाराजा प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर के शासक बने। तत्कालीन पंजाब के लोग कश्मीरियों से ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसीलिए जम्मू कश्मीर के ज्यादातर सरकारी पदों पर उनका कब्जा हो गया। पंजाबियों ने वहां जमीन भी खरीदनी शुरू कर दी। महाराजा प्रताप सिंह के शासन के दौरान राज्य में पहली बार कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों के लिए मांग उठी। पंजाबियों का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले गैर मुस्लिम समुदाय डोगरा और कश्मीरी पंडित ही थे। समय बीतता गया और ये मांग उग्र होती गई, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह और उनके मंत्रियों ने इस मांग पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। साल 1925 में महाराजा प्रताप सिंह के देहांत के बाद उनके भतीजे हरि सिंह महाराजा बने। 1919 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन भारत की जनता में स्वराज तो कश्मीरियों में कश्मीरियत की भावनाओं को हवा दी। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों नाम का आंदोलन भी चलाया, जिसका नेतृत्व शंकरलाल कौल ने किया। पंजाबियों के राज्य में बड़ी संख्या में आने से डरे कश्मीरी पंडितों ने हरि सिंह से गुहार लगाई, जिसके बाद 20 अप्रैल 1927 में हरि सिंह ने आदेश जारी कर बाहरी लोगों के राज्य में जमीन खरीदने और राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने पर रोक लगा दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।